तो स्वागत है आपका पढ़ो जियोलॉजी चैनल के ऊपर। आज का अपना सिलेबस है एरियल फोटोग्राफ्स। लास्ट के वीडियोस जो डाले गए हैं जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, वो दोनों टॉपिक आपके क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, तो आप इसे भी रेगुलर पूरा वीडियो देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरियल फोटोग्राफ्स को। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे एरियल फोटोग्राफ्स के, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक, तो आप सभी जानते हैं एरियल फोटोग्राफ्स क्या होता है। यहाँ हम स्पेशली लाइन पढ़ के आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप जस्ट यही परिभाषाएं कॉपी करोगे एग्जाम कॉपी में, इसलिए जरूरी है ये। ठीक, पिछले डेटा में भी हमने आपको एक एक लाइन वही बताई थी कॉपी एक एक टिक करके कि आप एड टू एड डेटा वहां पे रखेंगे ताकि आप कॉपी में आंसर सही लिख पाए और आपके अच्छे मार्क्स आ पाए, परसेंटेज हो पाए, है ना। अब बात चाहे जैसी हो ज्ञान की कि हमको सीखना था ये वो सही है, लेकिन एमएससी में एडमिशन आपका किसी ना किसी हद तक और आप जिन कॉलेज में नॉर्मली लेना चाहते हैं एडमिशन उनमें परसेंटेज बेस पर ही होता है। मतलब जो हायर एजुकेशन है ना आपका, सतपुड़ा भवन से जो कंट्रोल होता है, अगर उनके कॉलेज में आपको एमएससी में एडमिशन लेना है तो परसेंटेज पे होता है, वो टेस्ट नहीं कराते। ठीक, इसीलिए हमको डेटा अच्छा लिखना होता है जब बीएससी फाइनल में आपके खूब सारे नंबर आ जाएं, फिर आप एमएससी में जब एडमिशन ले पाए। इसलिए हम लाइन पढ़ पढ़ के स्पेशली आपको बताते हैं कि आप यही डेटा लिखें। तो देखिए, आप द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हेलीक्राफ्ट हेलीकॉप्टर यूजिंग अ प्रीसियस कैमरा एज अ टर्म इन द एरियल फोटोग्राफ्स। तो जो फोटोग्राफ्स हैं वो आप लेते हैं एयरक्राफ्ट से या हेलीकॉप्टर को यूज करते हुए, कैमरा से जो फोटोज लेते हैं उन्हें हम उनके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं, वो जो फोटोग्राफ्स हैं आपके वो एरियल फोटोग्राफ कहलाते हैं। फोटोज टेकन फ्रॉम नॉर्मल कैमरा प्रोवाइड अस हॉरिजॉन्टल प्रोस्पेक्टिव दैट इज वे द व्यू अपीयर टू अस। तो जो आपका फोटोज हैं, ठीक, वो नॉर्मल कैमरा से भी आप लेते हैं, और जो नई नई वेराइटीज आती हैं कैमरा की उनसे भी आप लेते हैं। हमने कैमरे में यूज होने वाले सेंसर्स के बारे में भी बात कर ली थी पिछले क्लासेस में, जो निकॉन वगैरह कंपनी के आते हैं। ठीक, तो व्हेन वी हैव बर्ड आई व्यू ऑफ द सिमिलर फीचर्स दैट प्रोस्पेक्ट वी गेट इन ईयर फोटोग्राफ इज टर्म्ड एज एरियल प्रोस्पेक्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट आपको एक पिक्चर्स दिखाई गई है, ये हॉरिजेंटल व्यू की है। ठीक, आपने इस तरह पिक्चर यहाँ पर ली हुई है कि ये हॉरिजेंटल प्रोस्पेक्टिव में ली गई है, इसका व्यू जो है वो आपका अपेरेंट हिस्सा हमसे है ना, ये हॉरिजेंटल व्यू में ली गई। दूसरा जो आपको पिक्चर्स दिया दिखाया गया है वो आपको बर्ड आई का पिक्चर दिया गया है। ठीक, मतलब ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है ये कहाँ से लिया गया है फोटोग्राफ, बिल्कुल सिमिलर फीचर्स। ठीक, बर्ड के लिए ऊपर से आपने जब लैंड नीचे है और आपने बहुत ऊंचाई से फोटो ली हुई है, ठीक, ताकि आपको सारा फीचर्स वहां का कवर हो रहा है, तो वो आएगा आपके बर्ड आई व्यू में। ठीक, जिस तरह उसका नाम रखा गया है ना, बर्ड आई व्यू। ठीक, तो ये काउंट किया जाएगा आपके लिए एरियल प्रोस्पेक्टिव्स। तो आपके सामने दो प्रोस्पेक्ट यहाँ दिखाए गए, एक हॉरिजेंटल व्यू की बात हुई है और एक बर्ड आई व्यू की बात हुई है। तो हम आगे जो बात करेंगे एरियल फोटोग्राफ के लिए उनमें हम जनरली बात करने वाले हैं किनके लिए, बर्ड आई व्यू के लिए। मतलब हम किसी लैंड की पिक्चर्स लेने वाले हैं तो किस फॉर्मेट में लेने वाले हैं, इस तरह से बर्ड आई व्यू वाले फॉर्मेट में हम लेंगे। नीचे देखते हैं और इजी हो जाएगी बात अपनी। यहाँ फोटोग्राफ्स के हमें टाइप्स दिखाए गए हैं, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर द गवर्न द क्लासिफाइंग। अब देखो,
ये पैरामीटर्स हैं जो आपके फोटोग्राफ को गवर्न करते हैं टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ में। पहला है आपका पैरामीटर जो है पोजीशन ऑफ द कैमरा एक्सेस। कैमरा एक्सेस के बेसिस पर भी हम फोटोग्राफ को क्लासिफाई करते हैं, स्केल के बेसिस पर भी एरियल फोटोग्राफी को क्लासिफाई करते हैं, एंगुलर एक्सटेंट, कवरेज एंड द फिल्म, उसमें जो कैमरे में फिल्म यूज हो रही है उसके बेसिस पर भी हम यह एरियल फोटोग्राफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए शुरुआत से बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ कैमरा एक्सेस, ठीक, के कैमरा एक्सेस के हिसाब से फोटोग्राफ कितने टाइप का होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आपकी कैमरा एक्सेस कहाँ लगी होगी, वो हम देख लेते हैं। ये हमने यहाँ से कलर ले लिया, ये देखिए आप, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये उड़ रहा है इस तरह से, ये प्लेन उड़ रहा है, इसमें यहाँ पे कैमरा माउंट किया हुआ है ये। अब यहाँ कैमरा माउंट है तो जब ये यहाँ से ठीक इधर फोटो लेगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हो गया आपका वर्टिकल फोटोग्राफ, ठीक। फिर इसके बाद जब ये फोटोग्राफ थोड़ा सा टिल्टेड तरीके से लेना चालू कर देगा, यानी ये बी वाला, ठीक, ये बी, तो वो आ जाएगा आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ, और इसी तरह से हाई ऑब्लिक वाला आ जाएगा आपके लिए सी नंबर पे, हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ होगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कैमरा एक्सेस के बेसिस पर। देखिए कैमरा एक्सेस क्या होगा कि ये आपका कैमरा है जो माउंट है एयरक्राफ्ट में, तो ये जैसे यहाँ ये लगा हुआ है आपका कैमरा, ठीक है, तो इससे जो बिल्कुल सरफेस पे वर्टिकल लाइन जो टच हो रही होगी वो कैमरा एक्सेस के बेसिस पर होगा आपका, है ना। ये है आपका एरियल फोटोग्राफ कैमरा एक्सेस के बेसिस पर। तब इस कैमरा एक्सेस के बेसिस पर आप जो एरियल फोटोग्राफ देखेंगे ये बिल्कुल वर्टिकल होगा तो वर्टिकल फोटोग्राफ, ऑब्लिक होगा तो ऑब्लिक फोटोग्राफ, हाई ऑब्लिक होगा तो हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, बहुत सारी बात कर लेते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ के बारे में। तो यहाँ जो दिखाया गया है आपको वर्टिकल फोटोग्राफ, दीज फोटोग्राफ्स आर टेकन व्हेन द एयर बॉर्न, ये जो फोटोग्राफ्स हैं जी, ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो एयर बॉर्न से, ठीक, इस तरह लिए जाते हैं कि उस एयर बॉर्न में जो कैमरा लगा होता है वो उसकी जो पोजीशन होती है वो वर्टिकली पोजीशंस में रहता है, ठीक है, ऑन बार्ड कैसा है वो वर्टिकली रहता है। द एक्सेस ऑफ कैमरा इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस, मतलब जो कैमरा की ये जो हमने आपको एक्सेस बताई थी ये डॉटेड करके, ये कैमरा एक्सेस पूरी तरह से फील्ड पर, ये आपका ग्राउंड सरफेस है जहाँ की आप पिक्चर ले रहे हैं, तो ये पूरा वर्टिकली रहता है, ठीक है, उस ग्राउंड सरफेस से आपकी कैमरा एक्सेस जो है वो वर्टिकली रहती है। आप यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है फोटो प्लेन लिखा हुआ है जिस तरह से, तो ये जो लाइन होगी आपकी ये वाली लाइन ये कहलाएगी आपकी कैमरा एक्सेस, या इसी को बोलेंगे आप वर्टिकल एक्सेस, है ना। और ये जो जमीन है ये सरफेस है, ये कवर्ड एरिया है कि यहाँ से जो पिक्चर ली जा रही है कैमरे के द्वारा, ये लेंस समझ लीजिए आप कैमरा लेंस, तो उन्होंने इतना एरिया कवर किया हुआ है। जबकि नॉर्मली वेरी डिफिकल्ट टू अचीव परफेक्ट पैरेललिज्म बिटवीन द टू प्लेन ड्यू टू द फैक्ट इज दैट एयरक्राफ्ट ओवर इन कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ, द फोटोग्राफ एक्सिस, फोटोग्राफिक एक्सिस देयरफॉर डेविएटेड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, इट सच इज डेविएशन इज विद इन द रेंज ऑफ प्लस और माइनस 30 के द नियर और वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड, द एरियल फोटोग्राफ विद अ अनएस्टिमेशनल डेविएशन मोर देन 30 इन द ऑप्टिकल एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस नो एज द टिल्टेड फोटोग्राफ। देखिए यहाँ पे ये जो फोटोग्राफी यहाँ पे हो रही है वर्टिकल एक्सिस के लिए, ये फोटोग्राफी हो रही है आपकी, ये वर्टिकल एक्सेस है आपकी, ये इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है ना। अब क्या है इस पे जो माउंट किया हुआ है कैमरा, जिस भी चीज से आप पिक्चर से फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आपने देखिए हेलीकॉप्टर लिया हुआ है तो वाइब्रेशन की वजह से वो कंफर्म है आपका कि जो फोटोग्राफ है
वो अपने एक्सेस से थोड़ा बहुत डेविएटेड होता ही रहेगा। ठीक, डेविएटेड का मतलब है उसकी रेंज इधर उधर होती रहेगी, है ना। मतलब ये इधर है तो हो सकता है कि वो 89 पर कवर हो, या फिर 89 पे कवर हो, 83 पे कवर हो, ऐसा एंगल बन सकता है। यहाँ तो फिक्स हमने देख लिया कि वर्टिकल फोटोग्राफ में 90 पे बनता है। तो ये जो डेविएशंस की बात यहाँ पे हो रही है वो कितना डेविएट हो जाता है, 30 तक डेविएट हो जाता है, 30%। ठीक, मतलब हमने ये जो फोटोग्राफ हम निकालेंगे, ये फोटोग्राफ, तो इसको 100 डिवीजन देखें तो ये 30 जो है वो डेविएशंस का हो सकता है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये 30% जो है वो डेविएशन का ही होगा। तो ये 30% डेविएशन का होगा। बाद में देखेंगे कि ये जो डेविएशंस का 30% आया है उसका हमें क्या करना है, है ना, ये आगे आएगा इंटरप्रिटेशंस में। ठीक, इस तरफ है 30%, इस तरफ है, या फिर देखेंगे अभी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा भी कवर हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। दूसरा है आपका लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो ये जो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ है आपका, यहाँ देख लीजिए फिर से, यहाँ पे वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए लाइन आपकी कहाँ आती है, ये डॉटेड लाइन, ये है वर्टिकल फोटोग्राफ की, इतना कवर किया हुआ है इन्होंने, है ना। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सेस यहाँ दी गई है ना, ये वर्टिकल फोटोग्राफ यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कवर किया हुआ है। कितना दिखा रहा है ये, 30 दिखा रही है। ठीक, सेकंड देखिए आप लो ऑब्लिक के लिए, इन एरियल फोटोग्राफ टेकन विद इंटरनल डेविएशन ऑफ 15 to 30, इसका इंटरनल डेविएशन कितना, 15 से 30 डिग्री तक होगा, इन द कैमरा एक्सेस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सेस रेफरेंस टू एज द लो ऑब्लिक फोटो ग्राफ, दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफ इज ऑफन यूज्ड इन रिकॉग्नाइज्ड सर्वे। तो इसमें जो कैमरा एक्सेस है आपकी, ठीक, कैमरा एक्सेस और जो वर्टिकल एक्सेस है वो कहाँ तक जा सकता है, उसका डेविएशन 15 से 30 डिग्री तक जा सकता है, है ना, वो होगा आपका लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। मेरा मतलब है हमको यहाँ ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये लगा है, ठीक है, इसकी वर्टिकल एक्सेस यहाँ होती है। ठीक, अब इस बात को आप थोड़ा छोड़ दीजिए, अब नई बात आती है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में देखते रहिए आप, ऑब्लिक फोटोग्राफ तो आपका ये होगा, ये है आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ, ये, ठीक है, ये आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ है, और ये जो हरा वाला था वो आपका वर्टिकल एक्सिस थी, ये वाली। तो ये जो ऑब्लिक फोटोग्राफ है, ठीक, ये आपके अगर इससे मेजर करें इसको, इस ऑब्लिक फोटोग्राफ को, तो ये 15 से 30 डिग्री तक डेविएट रहता है आपका। ठीक है, 15 से 30 डिग्री तक डेविएट रहेगा आपका, ये कहलाएगा आपका लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है, अगला देखिए आप, हाई ऑब्लिक में क्या होने वाला है आपका, हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ जो है, ऑब्लिक आर फोटोग्राफ ऑब्टेन्ड व्हेन द कैमरा एक्सिस इंटेंटली इंक्लाइंड अबाउट 60 डिग्री। कितना झुका हुआ होगा वो, 60 डिग्री पर होगा वो, है ना, वो है आपका हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक, ये देखिए फोटो प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैमरा एक्सेस है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस यहाँ ये बनी हुई है। ठीक, आप देख लीजिए, आप वर्टिकल एक्सेस के बाद ये आपकी ये गई लाइन, ये हुई, ठीक, ये आ गया है आपका हाई ऑब्लिक के लिए, ऐसा रहता है। मतलब आप फोटो कहाँ खींची ली गई है आपके, इस वाले, ये प्लेन आ चुका है आप, ठीक, मतलब पहला आप, ये हो गया आपका वर्टिकल, ये होगा लो ऑब्लिक फोटो, और ये हो गई आपकी हाई ऑब्लिक फोटो। इनके साथ में जो इन्होंने जगह कवर की है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये कितनी जगह देख रहा था, कवर कर रहा था, इन्होंने कवर की थी यहाँ तक, ठीक है, ये है इसकी, इतने इतनी जगह कवर कर रहा था, ये कवर्ड एरिया है इसका। ठीक, अच्छे से देखते जाना। और जो लो ऑब्लिक है उसका कवर्ड एरिया कितना है, इतना है,
जो हाई ऑब्लिक है उसका कवर्ड एरिया कितना होगा? हाई ऑब्लिक का कवर्ड एरिया है आपका, ये हाई ऑब्लिक का कवर्ड एरिया है, ठीक। वर्टिकल कितना हो गया आपका? बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। लो ऑब्लिक कितना डेविएट होगा अपनी आपकी इस कैमरा एक्सिस से? कैमरा एक्सिस से वो डेविएट होने वाला है आपका 15-30 तक। हाई वाला कितना डेविएट होना, हाई ऑब्लिक वाला 60 डिग्री तक डेविएट हो जाएगा। ऐसा ये फोटो खींचने वाली है। आगे देखिए, अब आप एरियल फोटोग्राफ अगला दिया गया है स्केल के बेसिस पर, ठीक। स्केल क्या रखा जाएगा? फोटोग्राफ जो खींचा गया है उसकी ग्राफ, फोटोग्राफ का स्केल क्या रखा जाएगा? कैसे, ये फोटोग्राफ है यहाँ पे और यहाँ पे स्केल को मेजर कर दिया जाता है कि ये फोटो में 1 सेंटीमीटर जगह जो है वो फील्ड में 100 मीटर के बराबर है, ठीक। ये स्केल के बेसिस पर इस तरह से होगा। तो लार्ज स्केल फोटोग्राफ होते हैं, मीडियम स्केल फोटोग्राफ होते हैं और स्मॉल स्केल फोटोग्राफ होते हैं। ये तीन टाइप के आपके स्केल फोटोग्राफ होते हैं। तो देख लेते हैं हम लार्ज स्केल फोटोग्राफ कैसा होगा। लार्ज स्केल फोटोग्राफ जो है उनका स्केल यहाँ पे दिया गया है 1:15,000 का, ठीक। लार्जर एंड उससे बड़े जो होंगे वो लार्जर स्केल फोटोग्राफ में आएंगे। द फोटोग्राफ इज क्लासिफाइड लार्ज स्केल फोटोग्राफ। लार्ज स्केल फोटोग्राफ देखिए इस तरह से है, 1:5,000 का भी दिखाया है और 1:15,000 का भी दिखाया गया, और इससे बड़े वाले सभी के सभी लार्ज स्केल फोटोग्राफ में आएंगे। मीडियम स्केल फोटोग्राफ आप देख लीजिए, ठीक। मीडियम स्केल फोटोग्राफ में आप काउंट करने वाले हैं, द एरियल फोटोग्राफ विल स्केल रेंजिंग बिटवीन 1:15,000 एंड 1:30,000 आर यूजली टर्म इज द मीडियम स्केल फोटोग्राफ। ये आपका मीडियम स्केल फोटोग्राफ में आएगा। और देख लीजिए आप स्मॉल स्केल फोटोग्राफ में 1 से लेकर 30,000 तक, है ना। अ फोटोग्राफ विद अ स्केल बीइंग स्मॉलर देन 1 से लेकर 30,000 तक का जितना भी आएगा वो आपका स्मॉल स्केल फोटोग्राफ में आएगा। लेस स्केल 40 ये इन्होंने बदला हुआ है। अब यहाँ यूज देख लीजिए आप फोटोग्राफ के, यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफ, टोपोग्राफिक फोटोग्राफ। दिस फील्ड फोटोग्राफी इज अ नाउ रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल मेथड ग्राउंड सर्वे टोपोलॉजिकल मैपिंग ऑन स्केल 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000 बीइंग डन फोटोग्रामेट्रिकली। तो भैया जो टोपोलॉजिकल होता है वो टोपो सीट होती है, उसमें स्केल जो दिखाया जाता है वो इस तरीके स्केल होते हैं। जियोलॉजिकल मैप में भी यूज होता है। जो एरियल फोटोज हैव बीन यूज वाइडली कैरी आउट जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेशंस बेस मैप बनाने में। जियोलॉजी के बेस मैप से मतलब है किसी जगह का फॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, फील्ड की हम जानकारी ले रहे हैं और अनकन्फर्मिटीज वगैरह हैं, लीनिएशन फ्रैक्चर कहीं, तो उसके लिए हम जो मैप यूज करेंगे तो जियोलॉजी में मैपिंग यूज हो जाएगा। वो फॉरेस्ट की जानकारी में भी यूज हो ही जाएगा, सारी बातें पता ही है अपन को। यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफ और कहाँ, सिविल वर्क में कहाँ यूज होगा? सिविल वर्क में हाईवे इंजीनियरिंग प्लानिंग वगैरह में, अलाइनमेंट हाईवे के प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा। टेलीफोन वगैरह की लाइन हमें बिछानी है या पावर ट्रांसमिशन के लिए, ड्रेनेज पैटर्न्स के लिए, सीवेज वगैरह के लिए, सिंचाई विचाई के लिए, मैपिंग वैपिंग के लिए, सब में फोटोग्राफ्स यूज होते हैं। वाटर सप्लाई स्टडी के लिए भी यही यूज होने वाला है आपका। लो इतना ही डेटा था यह, ठीक है। कुछ समझ आया?